पोटका के जुड़ी एवं तेतला पंचायत के मुखियाओं द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता आयोजन किया गया। पोटका प्रखंड अंतर्गत हाता के सचिन होटल में जुड़ी पंचायत के मुखिया सुखलाल सरदार एवं तेतला पंचायत के मुखिया अमृत मांझी द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में हाता की खापरसाई गांव में स्थित सहा स्पंज एंड पावर लिमिटेड कंपनी की CSR के तहत 9 बिंदुओं पर जैसे कि हाता टाटा मुख्य पथ से कंपनी गेट पर पक्का पथ निर्माण, जुड़ी पंचायत के सभी गांव में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, पंचायत के सभी गांव के रोड किनारे वृक्षारोपण एवं पेयजल की व्यवस्था किया जाए आदि काम करने के संबंध में एक लिखित ज्ञापन दिया गया। मुखिया सुखलाल सरदार एवं अमृत मांझी द्वारा ये अल्टीमेटम भी दिया गया कि 15 से 20 दिन के अंदर अगर CSR के तहत कंपनी द्वारा ये सब काम नहीं किया गया तो हम लोग एक दिवसीय धरना पर बैठेंगे। प्रेस वार्ता के मौके पर मुखिया सुखलाल सरदार, अमृत मांझी, श्रीकांत सरदार, उत्पाल गोप, अजय गोप, दौलत सिंह सरदार आदि उपस्थित रहे। पोटका से अभिजीत सेन की रिपोर्ट, छोटापुर लाइव। पानी का सबसे ज्यादा समस्या है, लेकिन पानी के लिए भी कुछ उस तरह से मदद नहीं कर रही है कि लोगों को, यहाँ अभी शादी ब्याह का समय है, हमें नल सूख रहा है और पानी का कुछ प्रबंधन नहीं किया जा रहा है। रही बात है कि CSR के तरफ पर पेड़ लगाने के नाम पर खाली झूठा आश्वासन मिलता है और लोगों को गुमराह किया जाता है कि हमने इतना पेड़ लगाया, इतना पेड़ लगाया, लेकिन धरातल में एक भी पेड़ नहीं लगाया, जिससे प्रदूषण से हमारे क्षेत्र के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि एक अल्टीमेटम हम दिए हैं, अगर 15-20 दिन के अंदर ये काम नहीं करता है इस पर, तो हम लोग एक दिवसीय धरना देने के लिए भी बाध्य होंगे। हम लोग संयुक्त रूप से मांग पत्र सहा स्पंज कंपनी को दिए हैं, उसमें तो अपना रोड का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रदूषण यहाँ पर, सबसे ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, जिससे अपना एरिया के आदमी लोग, मेरा पंचायत के आदमी लोग ना बाहर में कुछ कपड़ा सूखा पा रहे हैं, ना तालाब में कुछ अच्छा से पानी पी रहे हैं, या तो नहा भी नहीं पा रहे हैं, अगर नहा भी रहे हैं तो उसमें खुजलियाँ हो रही है। तो इस तरफ से यहाँ के जनता जो है काफ़ी प्रदूषण से काफ़ी परेशान, तो यही हम लोग भी अल्टीमेटम दिए हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर अगर कुछ अगर करते हैं, नहीं तो फिर हम लोग भी आंदोलन के लिए बद्ध होंगे।